नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीकेआर किचन में। तो आइए आज हम बनाते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध और पारंपरिक काचरी का अचार। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है ये, बनाने में काफ़ी इजी होता है। और एक बार इस तरीके से बना के आप आराम से इसको 6-7 महीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो एक बार इस तरीके से काचरे का अचार बना के आप ज़रूर देखें, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो YouTube पर अगर कुकिंग चैनल CKR किचन को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ तुरंत कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे नए वीडियोस के। तो ये लगभग हमने 250 ग्राम के करीब काचरियाँ ले ली है। तो इन दिनों काचरियों का सीज़न है, तो बहुत ही ताज़ी और अच्छी काचरियाँ अवेलेबल हैं मार्केट में भी, और गाँव में तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो ये ले लिए हमने, इनको धोकर अच्छे से पानी सुखा लेना है। और ये सारे मसाले हमने लिए हैं, इसमें ये 2 टेबलस्पून सौंफ है, 3 टेबलस्पून दाना मेथी है और 3-4 काली मिर्च है और 2 लौंग हमने लिए हैं। और थोड़ी सी हमने ले ली है 1/2 टेबलस्पून के करीब कलौंजी। तो अब इन सबको थोड़ा सा हमको ड्राई रोस्ट करना है ताकि जो अचार है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो ये 4-5 हमने काली मिर्च और 2 लौंग को डाल दिया है और ये 3 टेबलस्पून दाना मेथी भी हमने डाल दी है। और इनको हम धीमी आंच पर थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक थोड़ा सा सेक लेंगे। तो इससे मसाले का टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, लेकिन जो अचार की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसको देखिए हमने रोस्ट कर लिया है, दाना मेथी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसको इसी में 2 टेबलस्पून हम सौंफ डाल देंगे। सौंफ जल्दी भुन जाती है इसलिए पीछे से हमने डाली है। तो बस गैस बंद कर लेंगे, तवा काफ़ी गर्म है तो उसी में ये सौंफ भुन जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। तो ये बनाने में काफ़ी इजी होता है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मसाला भुन गया है, तो इसको दूसरी प्लेट में निकाल देंगे ताकि फटाफट ठंडा हो जाए। तो मैंने अपने YouTube चैनल CKR किचन पर कई तरह की और भी काचरे की रेसिपीज़ को अपलोड किया है। तो देखिए इसी तवे पे थोड़ा सा हम कलौंजी को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तवा गर्म है तो उसी में हो जाएगा ये। हरी मिर्च और काचरे की चटनी, काचरा मिर्च और हरी मिर्च की सब्ज़ी और भी कई तरह की रेसिपीज़ मैंने अपलोड की है अपने चैनल पर, तो प्लीज़ एक बार जाकर ज़रूर आप चेक करें। तो कलौंजी को भी हमने निकाल लिया है। तो मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम काचरों को तैयार कर लेंगे। तो काचरों को धोकर अच्छे तरीके से सारा पानी सूख जाए तब तक इसको पंखे के नीचे हमने सुखा लिया था, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम आगे का जो हिस्सा है काचरे का जो हेड है उसको हम काट लेंगे और इसके बीच में से 2 हमने हिस्से किए और बीच में से थोड़ा बीज को हम टेस्ट कर लेंगे। काचरा कड़वा नहीं होना चाहिए, कई बार काचरे कड़वे भी होते हैं तो अगर कड़वा है तो उसे हम फेंक देंगे। और इसके 1 काचरे के 4 पीस मैं कर लूँगी, आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं लेकिन 4 में आसानी रहती है कि किसी को अगर कम खाना है तो वो अचार वेस्ट भी नहीं होता है। तो इन सभी को इसी तरीके से हम कटिंग करके तैयार कर लेंगे। तो अचार में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये कचरी है उनको आपको ताज़ी लेनी है और गली हुई नहीं लेनी है, अच्छी सी थोड़ी सख्त और ताज़ी अच्छी क्वालिटी की लेनी है। किसी के ऊपर अगर दाग है, थोड़ा बहुत सड़ा गला है तो वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, इससे जो अचार है वो लंबे समय तक आपका अच्छा रहेगा। तो ये सारी हमने काचरों को काट के तैयार कर लिया है। तो काचरे को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पे काचरा बोलते हैं, कहीं पे कचरियाँ बोलते हैं, कहीं पे काचरी बोलते हैं, कहीं कचरी भी बोला जाता है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग नाम है। तो ये देखिए मसाला ठंडा हो गया, तो इसमें से आधा मसाला हम मिक्सी जार में डाल देंगे और जो लौंग और काली मिर्च है वो भी निकाल के हम इसमें डाल देंगे मिक्सी के जार में। और आधे मसाले को हम साबुत रखेंगे और आधे को हम दरदरा पीस लेंगे, तो इससे अचार का टेस्ट है वो बढ़ जाएगा।
तो इसको मिक्सी को रोक रोक कर 3-4 बार चलाएंगे तो दरदरा हो जाएगा। बिल्कुल आटा नहीं करना है यहाँ आपको, बस दरदरा सा इसको पीस लेना है, मोटा मोटा सा। तो ये देखिए हमने पीस लिया है, इस तरीके से आपको पीसना है। तो अब यहाँ पे या तो आप कोई प्लास्टिक का बर्तन लें या फिर कांच का लें, उसमें हम ये काचरियाँ डाल देंगे कटी हुई, और ये कलौंजी डाल देते हैं, और ये जो दरदरा पिसा हुआ मसाला है वो भी सारा इसमें डाल देंगे हम। और ये साबुत वाला मसाला जो हमने बचाया था वो भी डाल देंगे। और अब इसमें नमक डाल देते हैं, तो टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालें, वैसे अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और लाल मिर्च डाल देंगे, तो लाल मिर्च भी ऐसा अचार में थोड़ी सी तीखी ही होती है, तो आप अपने हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब इसमें डाली है, और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से काचरों में मिक्स हो जाएं। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी 1/2 चम्मच हींग भी डाल सकते हैं कच्ची, तो मैं इसमें ऑयल में हींग को डालूंगी, अभी नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है कच्ची हींग का भी। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और अब इसको आपको ढककर 2 दिनों के लिए रखना है ताकि सारे मसाले जो अच्छे से फूल जाएंगे और जो कचरियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी गल जाएगी। तो 2 दिनों में आपको 4-5 बार इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना है इस तरीके से, बीच बीच में हिलाते रहना है, और इसको आपको जाली ढक के रखना है, एकदम ज़्यादा ढक के नहीं रखना है वरना फंगस आने का डर रहता है। कॉटन का पतला कपड़ा या फिर कोई जाली ढक के रखें और बीच बीच में इसको चलाते रहें 4-5 बार। तो थोड़ा मैंने इसको टेस्ट कर लिया था, तो नमक कम लग रहा है तो मैं नमक डाल दूंगी, अगर आपको मिर्च भी कम लगती है तो आप मिर्च भी अपने हिसाब से मिला सकते हैं। अचार में थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह तीखा होता है तभी अचार अच्छा लगता है। तो नमक को दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल मसाले मिक्स हो गए हैं। तो इसके ऊपर मैं एक जाली ढक दूंगी ताकि हवा लगती रहे। तो ये देखिए 2 दिनों के बाद 4-5 बार इसको हमने बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे चलाया था, तो ये देखिए 2 दिन में मसाले काफ़ी फूल गए हैं और जो काचरी है वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो थोड़ा एक अच्छे से इसको ऊपर नीचे करके हिला लेते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से मेथी दाना वगैरह फूल गया है। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं थोड़ा, और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में लगभग 1/2 लीटर सरसों का तेल अच्छे से धुआं आने तक हमने गर्म कर लिया था, क्योंकि ये सरसों का तेल है तो इसको अच्छे से एक बार गर्म करना ज़रूरी है। आप चाहें तो मूंगफली के तेल में भी अचार बना सकते हैं, तिल के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में अचार टेस्टी लगते हैं। तो 1 चम्मच तेल मैंने लिया है, उसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा हींग पाउडर, और इसको ऑयल को हमने अच्छा गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। तो देखिए हींग को मिक्स कर लेंगे हम, और इस तेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे चम्मच वाले को भी, एकदम गर्म गर्म तेल अचार में नहीं डालना है। तो इसको रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा तो फिर हम अचार में मिला लेंगे। तो देखिए ठंडा हो गया है, तो इसको अचार में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हींग वाले ऑयल को। इसमें 2 चम्मच के करीब और हम लेंगे थोड़ा ऑयल, ऑयल को हमने ठंडा कर लिया था बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर। तो अच्छे से 2-3 चम्मच ऑयल इसमें मिला के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, काचरी के ऊपर अच्छे से लग जाएंगे, और फिर इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भरेंगे। तो आपको इसको कांच की बोतल में स्टोर करना है ताकि साल भर भी अगर आप चाहें तो इसको रख सकते हैं,
साफ़ सुथरी धुली हुई और सूखी हुई किसी भी कांच के जार में आप इसको स्टोर करें। तो अच्छे से हमने तेल डालकर मसालों को मिक्स कर लिया है। तो ये 3 चम्मच मैंने तेल इसमें डाला है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, ऑयल की हेल्प से मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये वाला अचार स्पेशली बाजरे और मक्के की रोटी के साथ बहुत ही शानदार लगता है, और काचरों का सीज़न है तो आप इस तरीके से अचार को बना के आराम से साल भर तक भी काचरों को स्टोर कर सकते हैं अच्छे से। अगर अचार बिल्कुल तेल में डूबा रहे तो साल भर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, साल भर तक आप इसको खा सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि अचार को निकालते वक्त साफ़ चम्मच का यूज़ करें, सूखी चम्मच का यूज़ करें, और अचार निकालने के बाद में दोबारा से अचार को तेल में अच्छे से डुबो दें। बिल्कुल अचार के ऊपर तक तेल होना चाहिए, अचार तेल के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए तो साल भर भी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब इसको हम कांच के जार में भर देते हैं। तो ये बोतल को अच्छे से धोकर मैंने सुखा ली थी बिल्कुल, तो अब इसमें हम ये डाल देंगे अचार। और फिर ऊपर से हम जो बचा हुआ ऑयल है जिसको हमने अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लिया था वो हम इसके ऊपर तक भर देंगे। तो एक बार मेरे तरीके से आप ये काचरे का अचार ज़रूर बनाएं। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और रेसिपीज़ को शेयर ज़रूर करें आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर जिन्हें भी खाना बनाने का शौक़ है उन्हें। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी और कम समय में और कम सामग्री में आसानी से बनने वाली रेसिपीज़ मैं आप तक पहुंचाऊं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो देखिए ऑयल हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद इसके ऊपर डाल दिया था। पूरे तरीके से अचार ऑयल में डूब जाना चाहिए, थोड़ा सा चम्मच से इसको हम नीचे की तरफ दबा देंगे ताकि ऑयल पूरा ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो अचार बिल्कुल साल भर ख़राब नहीं होगा। अभी इसको अचार को लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे अच्छे से सेट होने में ऑयल डालने के बाद। 2 से 3 दिन के बाद आप इसको खा सकते हैं, और इसको अभी कुछ दिनों के